और अब शपथ लेने के लिए आए हैं राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा शासित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या प्रतिपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से तो राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह शपथ ले रहे हैं। उन्होंने शपथ ले ली है। पहले भी मंत्री रहे हैं बिहार सरकार में। 5.5 करोड़ के करीब इनकी संपत्ति है हलफनामे के मुताबिक। और ये MLC हैं, जनता दल यूनाइटेड के कोटे से इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। और ये विधायक नहीं है, विधानसभा चुनाव नहीं लड़े थे। MLC हैं राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह। नीतीश के करीबियों में इनका शुमार है। नीतीश के साथ पुराना संबंध रहा है इनका और लगातार काम किया है इन्होंने बिहार सरकार में। पहले भी मंत्री रहे हैं, सांसद भी रह चुके हैं। और ललन सिंह ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। तो जो हलफनामे के मुताबिक इनकी संपत्ति 5.5 करोड़ के करीब है। और अगर आपराधिक रिकॉर्ड की बात करें तो इनके खिलाफ़ भी एक मुकदमा है जो चल रहा है। और MLC ये हैं, बिहार विधान पार्षद के सदस्य हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। और जनता दल यूनाइटेड के कोटे से इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। तो अब तक JDU के कोटे की अगर हम बात करें तो विजेंद्र प्रसाद यादव के बाद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली है। जबकि श्री अशोक चौधरी सदस्य RJD के भी शपथ ले चुके हैं। श्रवण कुमार और अब शपथ लेने के लिए आए हैं JDU से श्रवण कुमार। पहले भी मंत्री रहे हैं नीतीश सरकार में। मैं श्रवण कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और अंतर्धर्म से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं श्रवण कुमार सत्य निष्ठा से प्रत्याख्यान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्रवण कुमार नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। नीतीश के गृह जिले नालंदा से इनका ताल्लुक है। नालंदा से चुनाव जीतते हैं, पिछली सरकार में भी मंत्री थे। इस बार भी उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। JDU के कोटे से पद और गोपनीयता की शपथ ली है श्रवण कुमार ने। और आपराधिक रिकॉर्ड की अगर बात करें तो उनके खिलाफ भी एक मुकदमा है। जबकि चुनावी हलफनामे में इन्होंने अपनी संपत्ति 1.5 करोड़ से ज़्यादा बताई है। तो 1.85 करोड़ संपत्ति इन्होंने घोषित की है चुनावी हलफनामे के मुताबिक। श्रवण कुमार नीतीश कुमार के करीबियों में इनका शुमार होता है। और मंत्री पद की शपथ ली है श्रवण कुमार ने जनता दल यूनाइटेड के कोटे से। और चुनाव ये नालंदा से लड़ते हैं, नालंदा से चुनाव जीतते हैं। तो JDU के कोटे से मंत्री बनाए गए हैं श्रवण कुमार। हम आपको बता दें कि श्रवण कुमार पहले भी मंत्री थे। और अब शपथ लेने के लिए आ रहे हैं दिनारा के विधायक जय कुमार सिंह। मैं जय कुमार सिंह सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित
भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जय कुमार सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मेरे मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संस्कृत या प्रकट नहीं करूँगा। जय कुमार सिंह दिनारा से विधायक हैं और जेडीयू के कोटे से इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। आपराधिक रिकॉर्ड की बात करें तो इनके खिलाफ 4 मुकदमे चल रहे हैं, 4 मुकदमों की सुनवाई हो रही है और हलफनामे के मुताबिक इन्होंने अपनी संपत्ति 1,60,00,000 दर्ज की है। उन्होंने बताई है अपनी संपत्ति 1,60,00,000 चुनाव आयोग को और 4 मुकदमे इनके खिलाफ चल रहे हैं। दिनारा से चुनाव जीतते हैं जय कुमार सिंह और जेडीयू के कोटे से इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, पद और गोपनीयता की। जय कुमार सिंह माने जाते हैं, नीतीश के करीबियों में शुमार इनका नाम, दिनारा से चुने गए हैं और बीजेपी के राजेंद्र सिंह को इन्होंने चुनाव में पराजित किया है। एक कद्दावर नेता माने जा रहे थे बिहार बीजेपी में, राजेंद्र सिंह को इन्होंने चुनाव हराया है जय कुमार सिंह ने और मंत्री पद की शपथ ली है दिनारा से विधायक जय कुमार सिंह ने। श्री आलोक कुमार मेहता। और अब RJD से आलोक मेहता शपथ लेने के लिए आ रहे हैं RJD के कोटे से। मैं आलोक कुमार मेहता सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आलोक कुमार मेहता सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। आलोक मेहता ने RJD के कोटे से शपथ ली है उजियारपुर से। ये इन्होंने चुनाव जीता है और लालू प्रसाद के करीबी माने जाते हैं। RJD के कोटे से इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। 5.6 करोड़ यानी 5,60,00,000 की संपत्ति इन्होंने हलफनामे में घोषित की है। चुनाव आयोग में जो हलफनामा भरना होता है, 5,60,00,000 की प्रॉपर्टी है आलोक मेहता के पास। और अगर आपराधिक रिकॉर्ड की बात करें तो 4 मुकदमे चल रहे हैं आलोक मेहता के ऊपर। और सबसे बड़ी बात यह है कि लालू प्रसाद के करीबी माने जाते हैं, उजियारपुर से चुनाव जीता है आलोक मेहता ने और मंत्री पद की इन्होंने शपथ ली है, पद और गोपनीयता की शपथ ली है। नीतीश कुमार के कैबिनेट में एक अहम जिम्मेदारी मिल सकती है आलोक मेहता को और आलोक मेहता ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। और अब चंद्रिका राय शपथ लेने के लिए आ रहे हैं। मैं चंद्रिका राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता क्षुण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं
मैं चंद्रिका राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। आरजेडी कोटे से शपथ ली है पद और गोपनीयता की चंद्रिका राय ने। परसा से इन्होंने चुनाव जीता है, परसा से चुनाव जीतकर आए हैं। आपराधिक मामलों की अगर बात करें तो 3 आपराधिक मुकदमे इनके खिलाफ चल रहे हैं और पोस्ट ग्रेजुएट तक इन्होंने पढ़ाई की है, यानी कि एमए की डिग्री है इनके पास। और अगर संपत्ति की बात करें, जो हलफनामा इन्होंने दायर किया है चुनाव आयोग के पास, तो 6 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हैं चंद्रिका राय, यानी कि परसा से चुनाव जीत कर आए हैं। इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है और अब शपथ लेने के लिए आ रहे हैं अवधेश कुमार सिंह।